इस मूवी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है जिस घर के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी अपने बच्चे को जन्म दे रही थी एंड उस बच्चे को मारने के लिए एक वैम्पायर उस घर की तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा था एंड ये वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि उसी बच्चे का पिता होता है जो अपने ही बच्चे को मारने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन उस घर के अंदर मौजूद उस बच्चे और उसकी माँ के सपोर्ट में खड़ी तीन औरतें उस बच्चे को उस वैम्पायर से बचाने में कामयाब हो जाती है। ये वैम्पायर कोई आम वैम्पायर नहीं था बल्कि ये स्पेशल तरह का वैम्पायर था जिसे लॉर्ड ऑफ द नाइट कहा जाता था। ये वैम्पायर्स जब किसी नॉन वैम्पायर लेडी से रिश्ता बनाते हैं तब उन्हें जो बच्चा होता है उसको डैम्पियर कहा जाता था। डैम्पियर्स एकमात्र ऐसा इंसान था जो ऐसे वैम्पायर्स को मार सकता था एंड इसी वजह से ये वैम्पायर अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद हमें 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम कुछ आर्मी सोल्जर्स को देखते हैं जो एक गाँव में जा रहे थे जिस गाँव में वैम्पायर्स ने लोगों को मारकर तबाही मचा रखी थी। उन सोल्जर्स में से एक कुरजैक नाम का सोल्जर था जो बाकी सोल्जर्स को लीड कर रहा था एंड वो अपनी टीम को लेकर उस गांव के एक चर्च में जाता है जहां पर वैम्पायर्स ने काफी सारे लोगों को मारकर इकट्ठा कर रखा था। चर्च में जाने के बाद उन लोगों के पास एक पादरी आता है जो उन लोगों से वैम्पायर्स के किए हमले के बारे में बताते हुए उन लोगों को डैम्पियर को बुलाने की बात कह रहा था। लेकिन कुरजैक ने अभी तक अपनी आंखों से एक भी वैम्पायर नहीं देखा था एंड इसी वजह से वो अपनी टीम के साथ वहां पर ड्यूटी करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम यूरी और हार्लिन नाम के दो दोस्तों को देखते हैं। वो एक गांव की तरफ जा रहे थे एंड उन दोनों को ये बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वैम्पायर्स भी इस दुनिया में होते हैं। हार्लिन बहुत ज्यादा दारू पीता था एंड वो खुद को एक डैम्पियर बताया करता था एंड ये दोनों हमेशा इसी तरह अलग अलग गांव में जाकर वैम्पायर्स को भगाने का नाटक करके अपनी तारीफें बटोरा करते थे एंड आज भी ये दोनों एक गाँव में जाकर वैम्पायर्स को भगाने का नाटक करते हैं एंड वहां पर मौजूद सभी गाँव वाले सच मानकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं जिसकी वजह से वो लोग इन दोनों की तारीफ करते हैं। उसके बाद हम दो सोल्जर्स को देख हैं जो उस गांव में एक रोड के किनारे पहरा दे रहे थे एंड तभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उन दोनों से मदद मांग रही थी एंड ये दोनों जब उस लड़की की मदद करने उसके पास पहुंचते हैं तब इन दोनों को ये पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक वैम्पायर लड़की है। उस वैम्पायर लड़की के साथ और भी बहुत सारे वैम्पायर्स मौजूद थे जो वहां पर थोड़ी ही देर में आ जाते हैं एंड वो लोग मिलकर फिर उन दोनों सोल्जर्स को मार देते हैं। फिर जैसे ही इन दोनों के मौत की खबर कुरजैक और उसके बाकी टीम सोल्जर्स को पता चलती है तो उसी की टीम में मौजूद एक सोल्जर जिसका नाम लजार था वो कुरजैक से डैम्पियर को बुलाने की बात कह रहा था। फाइनली कुरजैक डैम्पियर को बुलाने के लिए रेडी हो जाता है जिसके लिए वो लजार के साथ अपने बाकी के टीम सोल्जर्स को भेजता है। लजार हार्लिन को बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि ये दोनों एक ही गांव में रहा करते थे एंड इसी वजह से लजार हार्लिन और उसके दोस्त यूरी को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ कुरजैक के पास में ले आता है। हार्लिन बड़ी ही कूल अंदाज में कुरजैक के सामने रखी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है जिसके बाद कुरजैक हार्लिन को ये बोलता है कि पिछली रात मेरे कुछ आदमियों पर वैम्पायर्स ने हमला कर दिया एंड मुझे उन वैम्पायर्स के बारे में जानना है। जिसको सुनते ही हार्लिन खुलकर स्माइल करते हुए उसको ये जवाब देता है कि असल में वैम्पायर्स होते ही नहीं हैं। जिसको सुनते ही कुरजैक को गुस्सा आ जाता है चलते बैंड की असल में वैम्पायर्स होते हैं। इस बात को साबित करने के लिए कुरजैक हार्लिन को अपने साथ उन डेड बॉडीज के पास में ले जाता है जिनको वैम्पायर्स ने मार दिया था। उन डेड बॉडीज को देखने के बाद हार्लिन भी हैरान हो गया था जिसके बाद कुरजैक उन वैम्पायर्स का शिकार करने के लिए हार्लिन को एक गन देकर बाहर पहरा देने को भेज देता है। जिसके बाद हार्लिन पहरा देते देते सामने बनी एक चर्च में चला जाता है जिस चर्च में उसे वही वैम्पायर लड़की मिलती है जो इस बार भी हार्लिन से मदद मांग रही थी एंड हार्लिन उस वैम्पायर लड़की को एक आम लड़की समझकर बचाने उसके पास में जाता है तो वो वैम्पायर लड़की उसको काटने की कोशिश करती है एंड तभी वो हार्लिन के खून की खुशबू महसूस करके उससे खुद ही दूर हो जाती है क्योंकि हार्लिन सच में एक डैम्पियर था एंड ये बात खुद भी हार्लिन को नहीं पता थी। हार्लिन को वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था एंड वो खुद की जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी वहां पर बाकी के वैम्पायर्स भी आ जाते हैं जो उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसी बीच एक वैम्पायर हार्लिन के ऊपर हमला कर देता है। उसके हमला करते ही उस वैम्पायर ने अपने जिस हाथ से हमला किया था वो हाथ उसका ऑटोमेटिक जलने लगता है। दूसरी तरफ बाकी के वैम्पायर्स कुरजैक और उसकी बाकी के टीम सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देते हैं जिनसे वो लोग बचने की कोशिश कर रहे थे एंड इधर हार्लिन एक और वैम्पायर को मारने की कोशिश कर रहा था एंड हार्लिन के हाथ लगाते ही वो वैम्पायर ऑटोमेटिक जलकर मर जाता है। ये चीज देखकर बाकी के सारे वैम्पायर्स वहां से भागने लगते हैं लेकिन अभी तक वो वैम्पायर लड़की अभी तक वहीं पर खड़ी थी जो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उस लड़की के आंखों की मदद से उनका मास्टर जो कि एक गोरका नाम का वैम्पायर था वो ये सारी चीजें देख रहा था जिसने उन सभी वैम्पायर्स को वहां पर भेजा हुआ था। जिसके बाद वो अपने सभी वैम्पायर्स को बुलाने का ऑर्डर देता है सिवाय उस लड़की के। फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है अगले दिन वहां पर एक
वैम्पायर जलकर मरा हुआ था, जिसको सारे आर्मी सोल्जर्स देखकर डर रहे थे। और जैक हार्लेन के पास जाकर उससे ये पूछता है कि ये तुमने कैसे किया, जिसके जवाब में हार्लेन उसको ये बताता है कि ये वैम्पायर धूप की वजह से जलकर मरा है एंड एक लड़की जर्स के अंदर मौजूद है जो इसके बारे में बहुत अच्छे से बता पाएगी। जिसके बाद फाइनली कुरजैक ये फैसला करता है कि वो अपनी टीम के साथ उस चर्च में जाकर उस लड़की से पूछताछ करेगा। चर्च के अंदर जाते ही उन लोगों को वैम्पायर्स की आवाज आने लगती है, जिसको सुनने के बाद बाकी के सारे सोल्जर्स डर जाते हैं एंड वो बाहर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन कुरजैक वहीं पर रुकने का फैसला करता है। हार्लेन ने भी अपने दोस्त यूरी को भी जबरदस्ती उन लोगों के साथ भेज दिया था, क्योंकि उसके साथ यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी जिसके बारे में उसका जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। जिसके बाद उस लड़की से पूछताछ में उन दोनों को ये पता चलता है कि आम वैम्पायर्स धूप में जलकर मर जाते हैं, लेकिन वो लोग आम वैम्पायर से बिल्कुल अलग हैं, उन्हें लॉर्ड ऑफ द नाइट कहा जाता है। साथ में वो उन दोनों को ये भी बताती है कि वो लोगों को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन उसके मास्टर गोरका ने उसको गुलाम बना लिया था, जिसके बाद वो जबरदस्ती उस लड़की से लोगों को मरवाया करता था। वो गोरका से आजादी चाहती है एंड वो हार्लेन को ये बताती है कि जब एक वैम्पायर किसी नॉन वैम्पायर औरत से रिश्ता बनाता है एंड जब उस औरत को कोई बच्चा होता है तो उसे डैम्पियर कहा जाता है, जो उन वैम्पायर्स को मार सकता है। एंड अब तुम्हारे बारे में गोरका को पता चल गया है एंड वो हर हाल में तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। जिसके बाद हार्लेन उस वैम्पायर लड़की से गोरका के पास ले जाने को कहता है एंड वो लड़की भी इस काम के लिए मान जाती है, क्योंकि गोरका के मरते ही उसको आजादी मिल जाएगी। दूसरी तरफ हम उन सोल्जर्स को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर वहां से जा रहे थे एंड फाइनली उनके सामने गोरका आ जाता है, जो उन लोगों के ऊपर हमला करके उन लोगों को पकड़कर अपने साथ में ले जाता है एंड उनको अपनी टीम में शामिल करने के लिए उनको वैम्पायर बना देता है। इधर हम इस वैम्पायर लड़की को देखते हैं जो कुरजैक और हार्लेन को अपने साथ एक बिल्डिंग में ले जाती है, जहां पर हार्लेन अपने हाथ में ब्लेड मारकर अपने अंदर से निकल रहे खून को गोलियों में मिला रहा था, क्योंकि जब उसका खून वैम्पायर्स को लगता था तो वैम्पायर्स ऑटोमेटिक जलकर मर जाते थे। हार्लेन उस ब्लेड को उस वैम्पायर लड़की को दे देता है, जिसके बाद वो लोग वहां से निकलने लगते हैं। तभी वहां पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गोरका को उनकी लोकेशन पता चल गई थी एंड वो वैम्पायर लड़की उन दोनों को बचाते हुए एक दूसरे रास्ते से ले जा रही थी। तभी वहां पर कुरजैक के बाकी टीम के सोल्जर्स पहुंच जाते हैं, जो फिलहाल वैम्पायर्स बन चुके थे, जिसके बाद वो लोग उन वैम्पायर्स के साथ फाइट करते हैं एंड थोड़ी देर बाद फाइनली वो सारे वैम्पायर्स मर जाते हैं। लेकिन उसी बीच गोरका ने उस लड़की के ऊपर कब्जा कर लिया था, जो फिलहाल उन दोनों को गन से मारने जा रही थी। लेकिन मारने से पहले वो उन दोनों को ये बताती है कि वो ये सब नहीं कर रही, उससे जबरदस्ती गोरका करवा रहा है। लेकिन हार्लेन उसके पास जाते हुए उसको ये समझा रहा था कि तुम उसकी गुलाम नहीं हो, तुम उससे आजादी पा सकती हो। लेकिन इतने में वो लड़की उसके ऊपर फायरिंग कर देती है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाती है। वहां से जाते ही कुरजैक वहीं पर हार्लेन के जख्मों का इलाज करता है। इधर वो लड़की एक बिल्डिंग पर खड़ी होकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो गोरका से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। लेकिन उसी बीच उसको एक दूसरी लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो उससे मदद मांग रही थी। वैम्पायर लड़की का नाम टेस्ला था, जो उस मदद मांग रही लड़की के पास जाती है, जिसे कुछ वैम्पायर्स ने घेर रखा था एंड टेस्ला उन सभी वैम्पायर्स से फाइट करके उन सभी वैम्पायर्स को मारकर उस लड़की को आजाद करती है। लेकिन तभी वहां पर गोरका आ जाता है, जो उसको बार बार ये कह रहा था कि वो उसकी गुलाम है। लेकिन वो गोरका से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी एंड इसी वजह से वो गोरका के ऊपर भी हमला कर देती है। लेकिन गोरका उसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था एंड इसी वजह से वो उसको वहां पर मरने लगता है। उसके बाद हम हार्लिन और कुरजैक को देखते हैं। वो दोनों उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर गोरका रहा करता था एंड वहां पर जाते ही कुरजैक को उसके बेटे की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके बाद वो हार्लिन को छोड़कर अपने बेटे की आवाज फॉलो करते करते एक दूसरी जगह पर चला जाता है। लेकिन वहां पर उसी का एक आर्मी का सोल्जर उसको पकड़कर अपने साथ में ले जाता है, जहां पर गोरका ने पहले से उस वैम्पायर लड़की को पकड़ रखा था। उसने उन दोनों को एक ही जंजीर से बांध दिया था एंड बांधने के बाद वो उन दोनों को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। लेकिन उसी बीच वो जंजीर टूट जाती है, जिसके बाद वो दोनों आजाद हो जाते हैं। जिसके बाद कुरजैक उस आर्मी सोल्जर को जलाकर मार देता है, जो फिलहाल अब वैम्पायर बन चुका था एंड इधर हार्लिन कुरजैक को ढूंढते हुए आगे जा रहा था, तभी उसका सामना गोरका से हो जाता है एंड गोरका वहां पर हार्लिन को बहुत बुरी तरह मारता है। एंड जब उसकी मदद करने के लिए टेस्ला और कुरजैक आते हैं, तो गोरका उन दोनों को अपनी शक्तियों से दीवार पर बांध देता है। तभी हार्लिन को एक विजन आता है, जिसमें उसके फादर यानी कि वो वैम्पायर जो उसको पैदा होते ही मारने वाला था, वो उसको बार बार ये कह रहा था कि हार्लिन तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, खून के अंदर की आवाज को सुनो एंड खुद को पहचानो कि तुम हो कौन। जिसके बाद हार्लिन को होश आ जाता है एंड वो फाइनली गोरका से फाइट करता है। बहुत भयंकर फाइट करने के बाद फाइनली हार्लिन गोरका को गला दबाकर मार देता है। वहां पर हार्लिन की फाइट अपने ही दो
दोस्त यूरी से भी होती है, जो फिलहाल वैम्पायर बन चुका था। यूरी हार्लिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हार्लिन को ना चाहते हुए भी यूरी को मारना पड़ता है। इसके बाद हार्लिन टेस्ला और कुरजैक को बचाता है, एंड वहां पर उसको ये पता चलता है कि ये जगह उसी के पिता की थी, जिसे गोरका ने जबरदस्ती हासिल किया था। एंड फिर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं, एंड यहां पर ये मूवी खत्म हो जाती है। जिसके बाद हमें लास्ट में एक और सीन दिखाया जाता है, जहां पर हार्लिन के पिता अपनी मरी हुई वाइफ, जो कि हार्लिन को पैदा करते वक्त मर गई थी, उसकी कवर से बातें कर रहे थे। वो वहां पर ये कह रहा था कि हार्लिन एक डैम्पियर बन चुका है एंड अपने रास्ते पर निकल चुका है। तभी वहां पर वो तीनों औरतें आ जाती है जिसने हार्लिन को बचाया था। वो तीनों उससे ये कह रही थी कि हार्लिन तुम्हारी राह पर कभी भी नहीं चलेगा, जिसके जवाब में वो उन तीनों से ये बोलता है कि हार्लिन मेरा ही खून है, क्या पता वो मेरी बात मान ले और मेरी राह पर चलना शुरू कर दे, लेकिन क्या पता वो मेरे ही खिलाफ जंग छेड़ दे, एंड ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब मेरा उससे सामना होगा। जिसका मतलब साफ है कि इस मूवी का एक दूसरा पार्ट भी आने वाला है, एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।